पत्नी के जीवन में अगर उसका आभूषण है तो केवल पति ही होता है। जेवर है जानकी का, जेवर नहीं मिलेगा। रघुवर 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 नहीं देवी जी, मांगने के लिए हम तुम्हें भिखारी दिख रहे हैं क्या? अरे रिश्ते की बात बोल रही मैं। हम वनवासी हैं, योगी कभी मांगने नहीं जाते, तपस्वी कभी मांगने नहीं जाते। योगी हो मांगना हमारा काम नहीं है। समझा रहा हूं तुझको, तू भाई मान ले मुझको, तू बन गया मेरी बहना, भाई बना ले मुझको, तू बन गया मेरी बहना। हाँ उस जानकी का है ये वर, तुम्हें कदापि नहीं मिल सकता है।
अच्छा कहो और कुछ कहना कहना है तुमसे। अरे तरपेला मोरे चढ़ली जवानी कभी से लगने लागी ए राजा जी या फिर एक दूं ए बाबा जी बाजा बाजी की ना बाजा छोड़ा ताज भी छोड़ा बन गए बाबा जी। मैंने राज का त्याग कर दिया, राज सुखों का परित्याग कर दिया, मैंने अयोध्या के ताज का त्याग कर दिया, ये बाबा का वेश बनाया है। राज भी छोड़ा ताज भी छोड़ा बन गए बाबा जी। राज भी छोड़ा ताज भी छोड़ा बन गए बाबा जी। यारे ए बाबा जी संग आजा नहीं बाजी बाबा जी बाजा नहीं बाबा जी। लागे पूरी भैया वनवास के संग में तुम सुख नहीं पाओगी। और वन के कठिन कष्टों को नहीं सह पाओगी। क्योंकि तुम राज महलों में रहने वाली, आपने बताया मैं लंका पक्की बहन हूँ, तो आप सोने की लंका में शयन करने वाली रहने वाली, भला ये भयंकर वन में कैसे सामना कर सकोगी कष्टों का। वनवासी के संग में तुम सुखी नहीं पाओगी। लागे पूरी भैया कहो कुछ और कहना चाहोगे? नहीं करोगे साजी? हम तो नहीं करेंगे। क्यों? हमारे साथ देख रही हो? ये कौन है? ये मेरी पत्नी है, इससे मिल सकती हूँ? यदि और तुम यदि हमसे विवाह कर लोगे तो जानती हो क्या होगा? क्या होगा? क्योंकि तुम ब्राह्मण वंश में जन्म लेने वाली हो और मैं एक क्षत्रिय कुमार हूँ। ब्राह्मण सर्वोच्च हैं, इस पृथ्वी के देवता हैं। भले ही हम क्षत्रिय हैं तो क्या होगा? आजकल सब चल रहा और यदि अरे आजकल कोर्ट मैरिज हो रहा ना,
आजकल कुछ नहीं है, सब चल लो। इस त्रेता युग में तो कुछ हो ही नहीं सकता ऐसा। श्री देवी जी कि कर तुम जो करोगी व्याही प्यार प्यार कि तुम जो करोगी प्यार तो होगी हसा हसी। कर तुम जो करोगी प्यार तो होगी हसा हसी। और सीता और सरूपा में हो हमारे साथ हमारी पत्नी। हेलो, जो भी कमेटी कार्यकर्ताओं के पास कॉपियां हैं वो कृपया मंच पे कॉपियां दे जाएं। जो भी कमेटी के कार्यकर्ताओं के पास कॉपियां हैं वो कृपया मंच पे कॉपियां दे जाएं। आपने कहा तात्यू अब लग रही हूँ कुमारी। हाँ? मैं कुमारी हूँ और जब तुम कुमारी हो तो कुमारी को कोई कुमार चाहिए। मैं कुमार नहीं हूँ तो मैं तुम्हें कुमार बता रहा हूँ। और कोई भी है? अरे तुम्हें पसंद आ जाएगा। सही बताओ। अरे बताना क्या है, निश्चित निश्चित ही नहीं सुनिश्चित वह तुम्हें पसंद आएगा कि आही कुमार मोरे लघु भ्राता। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, मेरे साथ तो मेरी पत्नी है, वह अकेला है, यही कुछ दूरी पर पहाड़ी के समीप बैठा हुआ है। बिल्कुल अकेला है। हाँ बिल्कुल अकेला है, वो शादी कर लेगा। और मुझसे बहुत सुंदर है, है? मैं तो काला हूँ। सही है। मैं तो काला हूँ। वो बहुत गोरा है, वो मुझसे शादी कर लेंगे? अरे अवश्य। सही बताओ। मैं झूठ नहीं बोलता। ए बनवासी जी, हाँ ये बताओ अगर उससे शादी होगी तो मेरे कौन लगोगे? अरे जब हो जाएगी तब देखा जाएगा कौन नहीं लगेंगे। बताओ भाई? बता दो। अरे बताना, पहले रिश्ता तो होने दो, उसके बाद वो तो हो जाएगा। सोचना, मुझे विश्वास वो तो हो जाएगा। तुम बताओ तुम कौन लगोगे? तो मैं जेठ बन जाऊंगा तुम्हारा। तो सुनो, एक महीने जेठ का भी आता है, अब पहले वहाँ तक पहुँचो। ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ। ठीक है, चली जाओ। हेलो हेलो, इस चलती हुई संवाद पर ये 50 रुपया जय माँ दुर्गा संकीर्तन जवाबी कीर्तन मंडल बल्लू नापित लाला राम सोनी प्रदान करते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
जो आप राम की भूमिका में देख रहे थे। इस मंडल के मंडलाधीश पंडित श्री राम बिहारी बिदौलिया रसिक महाराज टॉपर जिला जालौन। धन्यवाद। हेलो गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी प्रभु लोक बोले प्रदुवान। हमें बुला रही हूँ? हाँ तुम्हें बुला रही हूँ, इधर आओ। बताइए। वो तो रखा था काला कलूटा, ये रखा बिल्कुल गोरा लाल टमाटे की तरह। अरे किसकी बात कर रही हो? अरे तुम्हारी बात कर रही हूँ। आपने कहा वो काला कलूटा कौन है? वहाँ पर कौन है? वो तुम्हें काला दिखाई दिया, वो सांवले है काले नहीं है। हाँ तो वो कौन है आपकी? वो मेरे भैया। साथ में कौन है? वो मेरी मैया है। वो तुम्हारे भैया है? वो तुम्हारी मैया है? राजा मैं तुम्हारी गैया हूँ। गैया हो? ये वाली नहीं, दो पैर वाली। अच्छा हमने समझा चार पैर वाली। ये गैया हो? नहीं वही वाली गैया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुंदरी। कहाँ से आगमन हुआ आपका? लंका से आई हूँ। लंका से आई हूँ? हाँ। लंका का राजा कौन है? रावण। रावण की कौन है आप? मैं बहन हूँ छोटी। अच्छा आने का कारण? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सीधे? हाँ विवाह करना चाहती हूँ। अरे आप तुम ऐसा करो भैया के पास पुनः चली जाओ। क्यों? सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। मैं भैया पूराम का दास हूँ और दास के जीवन में सुख नहीं होता, और विवाह का तात्पर्य होता है दाम्पत्य जीवन में सुख देना। जब मैं तुम्हें सुख नहीं दे सकता तो विवाह करने का अधिकारी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि प्रभु समर्थ कौशल पुर राजा, जो कछु करे उन्हें सब छा जा। भैया पूराम राजा है और राजा एक नहीं कई विवाह कर सकता है, राजा पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। आप भैया पूराम को मना ले। वो राजा है? तो वो राजा है। कहाँ के? कौशलपुर के। वन में क्या कर रहे हैं? वो वन में यहाँ आना समय की कोई ऐसी परिस्थिति है, और वैसे वन का भी राजा, का भी राज उन्हें मिला है। भैया ने स्वयं कहा है पिता दीन मोहे कानन राजू। वन का भी राज मिला, तो वन के भी राजा। सिंह है, सिंह हर जगह राजा होता है। ए वनवासी जी, जी कहना है तुमसे क्या? अरे मैं तो छोड़ आई लंका का राज, छोड़ आई लंका का राज। लक्ष्मण तेरे जी। अरे शायद मेरी शादी का ख्याल अरे दिल में आया है, अरे इसीलिए भैया ने मुझे तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देखी मुझे क्या चाल बिछाया है।
गई हो, अपने मार्ग पे आ जाओगे, लेकिन तुम ऐसे मानने वाली नहीं हो, धर्म पे करने तुम अधर्म आ गई। पता नहीं कहाँ से फलती फूलती बेशरम आ गई। हमने जीवन में प्रथम बार देखी इतनी निर्लज्ज लड़की। है दिवस आज का बड़ा अशुभ, जो सम्मुख आई ऐसी लड़की। यदि नहीं हुआ विवाह तेरा, यदि नहीं हुआ विवाह तेरा, तो जा अपने भाई से कह, वह करते ठौर कहीं तेरा। फिर अपने लिए इधर उधर काहे तू ले जाती है, अरे उल्टा डायल पापिल, तू मर क्यों नहीं जाती? क्या कह रहे हैं? मर जा कहीं जाके, मर जाऊं? चली जाओ यहाँ से, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। चली जाओ, मैं कह रहा हूँ चली जाओ यहाँ से। नहीं करोगे? नहीं करेंगे, यहाँ काम नहीं बनने वाला। जे तो कर उल्टा डायल नागिन, मैं जाती हूँ। फिर राम निकट सो आए दैया। क्या हुआ देवी, क्यों रो रही हो? वो तो तुम तो कह रहे थे वो शादी कर लेंगे, वो तो कह रहे तुम डायन हो, नागिन हो, भूत हो। क्या कह रही थी तुम्हारा? अच्छा, झूठ बोल। ओ राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन देवी। मैं तो देखो बाबा नहीं, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम शादी नहीं करोगे ना? अरे तुमने मेरा असली रूप नहीं देखा। अच्छा, असली मैं तुम्हें प्यार से समझा रही थी, मान जाओ। अच्छा, अब लगता है वो असली रूप दिखाना पड़ेगा। चल मेरी माया। तब किसी राम पह गई रूप भयंकर प्रकट तो हुई। मैं भगनी दशकंधर की निश्चल वंश की राजकुमारी हूँ। छीनो सुहाग मोर लंका पतने, कीनो संगमर जोरी है पित से प्रार्थना की कई बार। लंक बचे सुहागन ने एक नार, हाथ में चूड़ी ना माथे पर रोनी। तब सी उससे विवाह कर लो राजा। सीता सब देखे रघुराई, कहा अनुज सन सयन बुझ। केवी जी, मैं तो विवाह नहीं कर सकता हूँ, मैं तो विवाह नहीं करूंगा, लेकिन मैं लक्ष्मण को समझा देता हूँ, वो विवाह कर लेगा। लक्ष्मण देवी, हमारा तुम्हारा विवाह अवध राज घराने के अंतर्गत होता। दास दासियां तुम्हारा श्रृंगार करती, ये वन प्रखंड है और इस वन प्रखंड में कोई नहीं है। आओ मैं तुम्हें अपने दोनों हाथों से सजा दूं, ऐसा अनूठा श्रृंगार करूंगा तुम्हारा, आज तक किसी ने किसी का किया नहीं होगा। बैठ जाओ पत्थर की सलाह पर, आंख बंद करके मैं तुम्हारा श्रृंगार कर दूं। भूतनी
जाकी लला बोतरी रंजन तो बुगा है वो है सूप न खा बुगा बुगा हो हाँ। अरे जाकी नाश हो जाए जब बुगा तू जब बुगा को अगर फूफा मिल जाए कह देना जी है हेलो हेलो भज्जू कारीगर अगर आप हमारी आवाज को सुन रहे हो तो आप सीख अनसीख मंच पर आ जाएं भज्जू कारीगर धन्यवाद तुम बुगा हो ही नहीं सकते हम तुम्हारी अरे भज्जू नंजा लला अरे बच्चा हम तो जाना भूत के उल्टे गोले होत काय होत देख लो का देख के थे पहले बुगा जो गोल उठाओ अरे सीधे है अब जाना को उठाओ अब ऐसा करो दो उठाओ लला ओ मेरी ही बुगा अरे कहां खुदवा यहां जो बुगा अरे तुम पे भौरा पड़ जाए तुम पे लला हो पंचवटी में गई थी हवा खावे हवा खान गई थी पंचवटी में काय को गई थी हमसे कह देती हम महाराज से कह देते आठ दस कूल ठसवा देते सो खूब हवा लेती रहती थी लला ओ चिनबनाल मच्छी बहुत करती चिनबनाल मच्छी कसके मच्छी ने मिर्चे बांट के लगा ले भैया से कह दूंगी अच्छा काय बुगा कोलेगा तुम्हारी नाक सुगा अरे तुम पे भोरा पड़ जाए तुम पे भुगा लला हो हम अकेली हती बे दो लड़का हते सुनने मैं नाक काट डाली अच्छा अभी लड़कन पे मरी तुम वो को हते लड़कन पे मरी जाओ हम पे एको बेल नहीं मरी भैया से कहो भाई स्वरूप तुम्हारे दरबार में आना चाहती है अच्छा जाओ काहे प्यास तेरी मेरी अरे बात बने ना सौतन संगे काहे जो मेरे संग नाही सौतन संगे राज सेवक महाराज ये लंका का राज दरबार है अवश्य और हमारे लंका की प्रभुता कैसी है ओ भाई ये पूरा विश्व जानता है बजा है काल मेरी पार्टी से बड़ा सा जुल्म सहता है महाराज हम रावण हैं अवश्य माई बाप और रावण हैं हमारी सत्ता त्रिभुवन में व्याप्त है संसार में कोई ऐसा नहीं जो रावण की प्रभुता नहीं मानता हो अवश्य मैंने किसी को स्वतंत्र नहीं छोड़ा है बंद बस कर रखे को स्वतंत्र पंडित मंदावन राजा मैं अपने द्वारा बनाए हुए स्वयं के मंत्रों के माध्यम से राज करता हूँ राज सेवक क्या हो गया स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या हाँ महाराज
आपकी जय हो, हमारी और इनकी चायजसी हो। महाराज हमारी जय हो, आपकी जय हो और तुम्हारी चायजसी हो। जैसी जैसी महाराज, जैसी आपकी कृपा हो तैसी। अच्छा हो जाए, हो जाए थोड़ा बस। अच्छा हो महाराज, तो तुम्हारे ऊपर हमारी जैसी कृपा हो वैसा काम हो जाएगा। वैसा ही काम होगा। अच्छा, बगैर आपकी कृपा से, हमारे कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। पत्ता नहीं हल सकता। क्या बात है। राज सेवक महाराज खड़े हो, कितने हो जाए। हाँ महाराज, अलग अलग प्रकार के है खड़े होना। हमने कहा खड़े हो जाओ, कह रहा कितने हो जाए। कई प्रकार से। अच्छा, कई प्रकार से खड़े होते हो। हाँ महाराज, जैसे ले खड़े हो गए। हो गए, तुम खड़े हो। लो आप कहो, चलो अब चलते। अच्छा चल के दिखाओ। ले क्या बात है, और थोड़ा खड़े हो जाओ। ले और हो जाओ, थोड़ा ले थोड़ा और हो जाओ, ले थोड़ा और हो जाओ। पूरे पूरे तो हो गए मारा है, बस इतने ही। इतने खड़े बैठे एक से है मारा। महाराज जी आपके सेवक है और सहेला है, और जे भाई के लाने आए थे नमकीन, नमकीन के लाने। किसके लिए? नमकीन नमकीन नमकीन। तुम्हारी नमकीन बन जाएगी। हाँ जवाब तो सही है, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है। हेलो, अच्छा हमारे 100 रुपया निखिल राजपूत प्रधान बिलाटी प्रदान करते हैं मंडल की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी बिलाटी से भी आए तो राज सेवक। किसी नाचने वाली को बुलाओ। जो और नाचने वाली कैसी होना चाहिए? कैसी? इधर देख, नाक की नकीली। हाय हाय हाय, तुम नकीली में फंसी। नाक की नकीली हो, कमर जिसकी लचीली हो। हाय हाय, है हैगी हैगी लचीली। नाक की नकीली हो, कमर जिसकी लचीली हो, न किसी की चेली हो और न किसी से खेली हो। ऐसी लज्जा तो है, ऐसी लज्जा लाए लाए भर रहे बच रही। बुलाओ महाराज। हेलो, नाचने खुजाने रगड़ने घसीटने वाली दरबार में हाजिर हो, इधर आओ जी है महाराज। अच्छा ये राज नर्तकी है, इसको देखकर हमारा ये सेवक बड़ा प्रसन्न हो रहा है। प्रसन्न जैसे हो रहा हूँ महाराज, बच्चा सोच रहा हूँ कि तुम्हें हम हमें तो बीच में ठान से पारे। अच्छा हमारा चाहिए तो क्या सेवक, चेली है, खड़े हो जाओ, ढकेली है, इधर आओ, इधर आओ। तुम इसको पसंद करते हो? सही सही बताना। ऐसे स्थान पर खड़े हो, यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारा बताओ जल्दी। महाराज बताओ, तुम इसको कितना पसंद करते हो? हम कुछ पूछ रहे हैं। बहुत पसंद करते हैं। बहुत पसंद करते हो। पसंद करते हैं। ये भी तुम्हें पसंद करती है? जाने वो करती क्या नहीं करती है। क्या दोनों के साथ में प्रदर्शन होना चाहिए। जी बात आई समझ में? नहीं पसंद तो करत तुम्हारी के साथ।